जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि क्या आप सभी को पता है कि अंडे जो होते हैं, अंडे जो गोल गोल होता है, मतलब व्हाइट व्हाइट सा, उसके अंदर जो चूजे रहते हैं सांस कैसे लेते हैं। आप में से किसी को पता है कि जो अंडे सांस, आखिर भाई देखिए, नॉर्मल अगर इंसान है या आम आदमी है तो मुंह से सांस लेगा, नाक से सांस लेगा, मछलियां गलफड़ों से, मेढक के पास गलफड़े व मुंह दोनों होता है, व्हेल्स जो होती हैं वो नॉर्मल मुंह से सांस लेती हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको बाहर निकलना पड़ता है। व्हेल्स मछलियां वो मतलब थोड़ी देर अगर बाहर सांस ज्यादा देर तक पानी में रोक सकती हैं व्हेल्स, आप इतना जाने, लेकिन बाहर बिना निकले वो सांस नहीं लेंगी, इसलिए वो बाहर निकल के आती हैं। उसी प्रकार पक्षियां भी आराम से सांस ले लेती हैं, लेकिन पक्षियां जो अंडे देती हैं जिनमें चूजे होते हैं वो आखिर सांस कैसे लेते हैं अंदर, क्या आपको पता है। तो आज इसी के बारे में हम सभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आपका एक अंडा है, एक ही अंडा है, ज्यादा गोल तो नहीं बना लेकिन है अंडा मान लीजिए। तो जब आप अंडा देखेंगे तो सबसे पहले हम अंडा के बारे में समझते हैं। ये जो उसकी बाहरी वाली व्हाइट व्हाइट जो परत होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। आप इसको थोड़ा सा मतलब टेक्निकली समझिए कि हर एक पार्ट्स को क्या कहा जाता है। जो बाहरी व्हाइट वाली परत होती है ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जिसका फार्मूला CaCO3 होता है। जब आप कभी अंडा को फोड़ेंगे तोड़ेंगे तो उसमें दो चीजें निकलती हैं। एक उसमें एक पारदर्शी सा पदार्थ होता है, व्हाइट व्हाइट सा हल्का पारदर्शी होता नहीं है, और एक इसमें पीला पदार्थ होता है, पीला पदार्थ। इस पारदर्शी वाले पदार्थ को तो बोलते हैं एल्बुमिक, ALBUMIK, इसको बोलते हैं एल्बुमिक। जिसे कभी आप अंडा फोड़ेंगे तो उसमें एक हल्का व्हाइट व्हाइट सा पारदर्शी, मतलब आर पार जिसके देखा जा सके ऐसा पदार्थ एक होता नहीं है, पीले वाले पदार्थ को जो कवर रखता है, तो उसको बोलते हैं एल्बुमिन। इसका काम क्या होता है अंडे में, सिंपली समझिएगा कि अंडे में जो चूजा होता है, जो योल्क में, अब ये योल्क जो पीला पदार्थ होता है इसको बोलते हैं योल्क, सबसे पहले समझिए, इसको बोलते हैं योल्क, YOLK। ये योल्क जो होता है ये उस चूजे जिससे चूजा बनता है उसके लिए खाना, भोजन आप कह लीजिए कि वो एकत्रित होता है उस चूजे के लिए। जो योल्क होता है पीला सा पदार्थ, वो खाना हो गया, मतलब वहीं से भोजन पाकर अंडे का धीरे धीरे, यानी कि चूजे का धीरे धीरे जो है विकास होता रहता है। अब हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर सांस तब कहां से मिला। ये भोजन हुआ, पानी, ये पारदर्शी पदार्थ जो होता है यहीं से चूजे को पानी मिलता रहता है। आप समझते हैं सांस कैसे लेता है। तो जो CaCO3 की जो लेयर होती है इसको जब आप बहुत बारीक यानी कि सूक्ष्मदर्शी से जब देखेंगे, यानी कि नॉर्मल लेंस से तो दिखाई पड़ेगा नहीं, जब आप इस लेयर को, इस अंडे को सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें ऐसे छेद होते हैं, ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, महीन नहीं बिल्कुल छेद होते हैं इसी CaCO3 की लेयर में। इन छेदों को बोलते हैं एयर सिप्स, SHIPS, एयर सिप्स, जिसके जरिए जो है हवा अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं के जरिए जो है बाहर आती रहती है। इस प्रकार अंडे जो है, अंडे के अंदर चूजे जो है वो अपना श्वसन कर लेते हैं, सिंपल बात समझिएगा, इन्हीं एयर सिप्स के जरिए। अब हम समझते हैं कि एल्बुमिन का आखिर अंडे में काम क्या होता है, क्या करता है ये। तो जब कोई भी पक्षी सिंपली हो, वह जब अपने अंडे देती है, कोई भी पक्षी जब अंडा देती है तो क्या होता है कि वो उस पर बैठ के उसे सेती है, सेने का मतलब उसे गर्मी देती है। तो गर्मी जब वह देती है तो उस पर थोड़ा बहुत दाब आता है, उस वह दाब जो है छोटे से चूजे पर ना पड़े, इसलिए जो एल्बुमिक होता है ये एक लेयर बना के रखता है, ऊपर से आने वाले प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करके फैला देता है और चूजे तक नहीं पहुंचने देता है। उपस्थित इसी योल्क में एक जब सफेद सफेद कलर का छोटा सा, मतलब छोटा सा बिल्कुल वो चूजा होता है जिसे एम्ब्रायो बोलते हैं, EMBRAYO, एम्ब्रायो बोलते हैं, वही यही बाद में जाके चूजे का रूप लेता रहता है। ये एल्बुमिन का जो पानी होता है धीरे धीरे सोख के, मतलब पी के खत्म कर देता है जैसे जैसे बड़ा होता है। हवा इधर से मिल गई, भोजन इसे योल्क द्वारा मिल जाता है, चूंकि उतना भोजन अंडे में पर्याप्त रहता है जितना इसे मतलब पकने तक, जिसे मतलब अंडे से बाहर निकलने तक जितना इसे जरूरत है एम्ब्रायो को, उतना ये योल्क में उपस्थित रहता है। यहाँ से भोजन मिला, यहाँ से हवा मिली एयर सिप्स से, एल्बुमिक से पानी मिला, और धीरे से बाहर से गर्मी मिली, और अंडा जब फूट के तैयार हुआ तो वो आराम से एक पक्षी बन के रेडी हो गया।
तो होप करता हूँ कि आप सभी सारी चीजें जो है अंडे के बारे में आराम से समझ गए होंगे, आपको कहीं पर कोई तकलीफ नहीं आई होगी। ये एयर स्ट्रिप्स आपको अंडे में तभी दिखेंगे जब आप उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, तब आपको छोटे छोटे छिद्र नजर आएंगे जहां से अंडे सांस लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सभी को जय।